श्रम गीत। एक दो पॉइंट इसमें जान लीजिए क्या होता है। श्रम का मतलब क्या होता है? काम धंधा हम लोग जो करते हैं। तो झारखंड का मुख्य पूंजी है श्रम, ठीक है। और ये जो गीत है, श्रम गीत है, वो तीन चार क्षेत्रों में ज़्यादा गाया जाता है। जैसे जब हम लोग कृषि कार्य कर रहे हों उस टाइम गीत होता है, या कहीं हम लोग जा रहे होते हैं, जैसे बोन झार, खास करके झारखंड में ये कल्चर है, बोन झार जाने के टाइम में भी लोग गीत गाएंगे, ठीक है। और तीसरा में क्या चीज़ है, जब कल कारखाना का यहाँ विकास हुआ तो वहाँ पर जब काम होता है तो वहाँ पर गाना गाया जाता है, ठीक है। ये है तीन चार चीज़ है, उसी से संबंधित इसमें है। काम करे बेराए कौन गीत गावल जा है, श्रम गीत हो जाएगा। श्रम गीत रोपनी कटनी करे बेराए कौन गीत गावल जा है, श्रम गीत है। खोरठांचल के नर नारी कैसन हवो हथिन, मेहनती परिश्रमी कर्मशील, यही सब है, ये सब होगा। श्रम गीत गावल जा है, काम धंधा करेक बेराए, बियारी करेक बेराए, जावा जगवे बेराए, कलवा करेक बेराए, काम धंधा टाइम में। श्रम गीत में झारखंड के प्रमुख पूंजी केकरा बतवल गेल है, श्रम के, बनीज के, किसान के, एसी दुयो। इसमें सी नहीं हो जाएगा। गीत श्रम गीत में, ठीक है, श्रम गीत में प्रमुख पूंजी किसको कहा गया है? श्रम के। ये गीतें खोरठांचल के कौन ठेकान के जिक्र करल गेल है, मारा भारी काम खुजलो बाहरिक लोग करे ठेकेदारी, हमर धरती कोयला सोना तबो हमिन भिखारी, ठीक है। मतलब कि किस जगह का है मारा भारी, कहाँ है? बोकारो में है। झारखंडिक लागिन के कैसन हालात भय गेल है, झारखंडिक लोग के कैसन हालात भय गेल है, शोषित भिखारी। लोक गीत यहाँ पर होना चाहिए ना, या लोग ही होगा क्या? हाँ, झारखंडिक लोग के कैसन हालत भय गेल है, शोषित भिखारी पीड़ित, ये सभी हो जाएगा। जैसे जैसे गीत के गीत अगर दे दे उसमें जो मेंशन होगा वो कर देना है, लेकिन पूरा झारखंड के लोग के बारे में अगर हो रहा है तो ये सभी है। टाणी बुनबे धाना, खेते रोपबे धाना, हियाँ दुई धाने धरती सोहान, हम बनब किसान, आन पानी जबे कारी जान। ये कैसन गीत लागे? श्रम गीत है ये। श्रम गीत में कौन सा है? ये किसान वाला, खेती बाड़ी का गीत है ये। मेहनत करे बेराए जेनी मरद, जोन गीत गावो हत ओकरा कहल जा है श्रम गीत। हर जोते खेरवा कुकुर बुने धान रे, बोने बांदर ढेका फोरे, लड़वे किसान रे, बाघे खोजे रोपनी, हवैते बिहान रे, हाथी दादा कादा करे, खाए जलपान रे, बिहिन मारे मुर्गे, ठीक है, बांग मारे मुर्गे, लेकरे घरे आयल रे, गधा काकू पानी छिटके छिटे, हायर पायर रे,
ई खेती किसानी संबंधी कौन रसिक गीत लागे? करुण, वियोग, हास्य, श्रृंगार। ये हास्य रस का है। कामी जुग आयल भारी चंदर पुराए, उरु धुरु मारा भारी काम शुरू, आए गेलो डीजल गाड़ी, भाईत भाईत देलो घर बारी, कुली रेजा गेला कते चढ़ी, कामी जुग आयलो भारी, चला जीवे कोयला के बसरिया रे, कोयला काटी करबे मजदूरिया रे, बराकर दामोदर एक धारी रे, कोयला काटी करबे मजदूरिया रे, किले की झारखंड के लोग कर घर बारी भोथाए भोथ दिले की ले। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, की लेल किस चीज़ के लिए झारखंड के लोग घर बारी भोथ दिया? कल कारखाना लगवे के लिए। खेती बारी बढ़ गया उसके लिए नहीं है, मौसम बिगड़ गया उसके लिए भी नहीं है, ये सब कल खाना, कल कारखाना लगने वाला है इसलिए। खटनिहार करे बेराए मनोरंजन खातिर कौन गीत गाओ हत? श्रम गीत। झारखंडे काम करवाइये लोग के महात्म कौन गीते भेटा है? बिहार सहियारी श्रम सोहराए, श्रम गीत। रोपनी करे बेराए गावल गीत के कहल जा है? रोहिणी गीत, श्रम गीत, सोहराए गीत, कर्म गीत, श्रम गीत कहेंगे। कल कारखाना शुरू भेल बादे किसान सब की बन गेला? मजदूर, मजदूरे बन गया। ठीक है, पहले मालिक था अब मजदूर हो गया। काम करनिहार अपन सुख दुख के बेराए कौन गीत गावो हत? श्रम गीत गाता है काम करने के टाइम में। छोटे मोटे टोपरा हर जूते छोकरा रे भेंजी गेले, एड़ी सोहर धोतिया, ये कैसन गीत लागे? श्रम गीत। श्रम गीत बाल गीत संस्कार गीत सहियारी श्रम गीत है, वो भी ये किसानी गीत है। ठीक है, खेती बाड़ी वाला। कहाँ जे उपजे सीता साइल धनवा, कहाँ जे उपजे उपजे लार बासा हो, बहियारे उपजे सीता साइल धनवा, आर पहाड़े उपजे लार बासा हो। सीता साइल धन कहाँ लागल है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सीता साइल धान कहाँ लागल है? बहियार। ठीक है, बहियार टाण वाला खेत से ऊपर वाला जो भूमि रहता है। ठीक है, पहले इस तरह का खेती होता था, दो तरह का खेती होता था। क्या चीज़? ये गीत में दिया हुआ है। ठीक है, पहले क्या होता था, खेती दो तरह से होता था, एक रोप के होता था और एक ऐसे छीट देते थे। तो यही चीज़ है, जो छीट के खेती किया जाता है उसको बहियार कहा जाता है। ठीक, सीता साइल धान, साइल यही है, सीता साइल मतलब धान का ही क्वालिटी है, सीता साइल नाम है धान का। रोपलो नान धान देखी मन धान, रौदा देखी आरी आरी बैसी, भाभे किसान ऐसों के जान कैसे बाजते परान। ई कौन रकम में गीत लागे? ई श्रम गीत है। ठीक है, मतलब ये, और श्रम गीत में कैसा है, उदासी वाला है, खेती कर दिया है, धान देख के उसको बड़ा खुश लग रहा है, लेकिन खूब धूप भी उगल है, इससे वो दुखी है, पता नहीं इस बार क्या होगा, धान होगा कि नहीं होगा, आरी पर बैठ के सोच रहा है किसान। आए गेले सावन मास, रोप रोपन चौथब घास, सजनी भाई खेती करब बनब किसानी, कैसन गीत लागे? ऋतु बिहा श्रम सावन, श्रम गीत।
रोप लो नान धान देखी, मन धान रौदा देखी, आर्ये बैसी भावे किसान, ऐसो के जान कैसे बाँचते प्राण। ई गीते की देखवल गेल है, किसान का खुशी दिखाया गया है, किसाने करुण बैठक दिखाया गया है, या किसाने घास या ये सब है। इसमें हो जाएगा किसाने का करुण व्यथा दिखाया गया है, ठीक है, वो बैठ के सोच रहा होता है। गोला बर्धा नायर जोते बरिया, सये बारी साग बुनली गंधरिया, ये कैसन गीत लागे, ठीक है, ऋतु नहीं श्रम गीत हो जाएगा। चलिए बाल गीत, ठीक है, बाल गीत का मतलब क्या चीज़ है, जो बच्चा लोग खेल खेल में गाता है, एक। दूसरा बात, जब बच्चा जिद्दी हो जाता है, जब हम लोग खाना खिलाते हैं उस टाइम भी गाना गाया जाता है, जिस टाइम बच्चा को हम लोग सुलाते हैं, हाँ, तो उस टाइम भी गाना गाते हैं, जब बच्चा पहली बार चलने का प्रयास करता है उस टाइम भी हम लोग गीत गाते हैं, ठीक है, या बच्चा को जब हम लोग खिला रहे होते हैं उस टाइम भी गीत गाते हैं, तो ये सब बाल गीत है। बाल गीत में कैसा कैसा उसको देखते हैं, ठीक, लगता है मुश्किलें है। अच्छा देखते हैं कितना देर चलता है। हाँ ये वाला हो जाएगा। बाल गीत ककर से लस्तंगा राखो है, छुआ चेंगा से, माए बाप से, आजा जी से, ये सभी से, छुआ चेंगा से। बाल गीत किसके लिए है, माए बाप के लिए थोड़ी ना है। वो चीज नहीं है, जैसे पूछा गया है कि बाल गीत का संबंध किससे, तो चेंगा चुटिया से, माए बाप से तो होगा नहीं। जोन गीत से छुआ सभी के टवान भेटा है, ओकरा कहल जा है बाल गीत, श्रम गीत, ऋतु गीत, कर्म गीत, तो बाल गीत हो जाएगा, ठीक है। खीर घाटो, खीर घाटो, एकरा देलिए ओकरा देलिए, कानी मुनी रेवा रेपो, सबके देलिए, ठेपो के देलिए, ठेपो धराए, ये कैसन गीत लागे, बाल गीत, बच्चा सब जब खेलता है उस टाइम का गाना है। हम लोग भी खेलते हैं, खेले थे पहले जमाने में ये सब जब बच्चा था, ठीक है। खेल गीत के गाओ हत, खेल गीत कौन गाता है, चेंगा छुआ सब, ए भी दुयो मेहरारू, ए भी दुयो, एगो एगो माए आपन गिदरे खिलावे बेराए, कौन गीत गाओ है, बाल गीत। आसना पतेक धासना कोरैया पतेक दोना, ये कैसन गीत हके, करम जावा गीत, बांदर खेलवा गीत, सोहराय गीत, बाल गीत, ये बांदर खेला गीत है। हाँ लेकिन इस तरह गा के ना बांदर को तो डायरेक्टली नचाएंगे नहीं, लेकिन छोटा जो बच्चा रहता है उसको गोद में उसको उछलाते हैं। नानी गेल पानी आने, भात भेल गील, भात नहीं खेबो नानी, टुटू भूंजी दे, कौन किसी में गीत लागे, बाल गीत है। ओकनी अखनी ढकनी पूरन पात, राजा घर एक बेल पात, काली गैया हकदल आवे, तकर दूध के खाए, ये कौन रकम में या कौन किसी में गीत लागे, ये बाल गीत है। खीर घाटो गीत, माए सब कखन गाओ है, गिधर के खाना खीवे एक समय, कहे कि माए के काफ़ी मशक्क़त करे पड़ो है, तब जाकर गिधर खा है, ये सब है, ये सब हो जाएगा। ताई 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 नुनू मामू घर जाए, मामू पीड़े छिछी करे, मामी पूछे जाए कैसन गीत है, कह ये तो बाल गीत है। अखनी ढकनी पूरन पात, गीत कखन गावल जाए, जखन माए अपन नूनू के खियावे है, जखन गिदर चले सीखे है, ए भी दुयो, एकर में कौन होना है, अखनी ढकनी,
जिस टाइम हमको लगता है जिस टाइम बच्चा चलता होगा उस टाइम उसको बुलाते हैं ना खाने के लिए, ठीक है, सिखा रहे हैं, कोई चीज़ हाथ में है, ठीक है, और वो चल रहा है, तो उस टाइम ये वाला गाना होता है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के टाइम में हो जाएगा, खियाने के भी टाइम में और जब गिदर चलता है। ये वाला आखिरी ढकने वाला, ये आगे वाला है ना, हाँ तो यही होगा, फिर खिलाने वाला गाना हो जाएगा, ठीक है। ताई 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 नुनू मामू घर जाए गीत का खन माए सब गावो ही। एकर में हमको लगता है कि जिस टाइम बच्चा चलने सीखता है उस टाइम ये गाना है, ठीक है। 12 ना, एक बार देखे क्या आंसर है इसका। हाँ वही चलने वाला है, 12 का बी, ठीक है, चलने वाला गीत है ये। ठीक है, चलने वाला गीत है ये, जखन छुआ चले सीखता है। झिम झिमालो झिमालो माए बाप खाए लो हमरा नाय दे लो, ये कैसन गीत लागे, बाल गीत है, ठीक है, श्रम गीत, सोहराय गीत, दुहा गीत, बाल गीत। झिम झिमालो झिमालो झिम झिमालो झिमालो खाली स्थान लता पता लो खाली ठामे उतर छाटा, ठीक है, इसमें परास लता, झिंगा लता, सालुक लता, भालुक, इसमें सालुक हो जाएगा, सालुक मतलब साल, ठीक है, साल मतलब हो गया सखुआ, सखुआ का पता है, उदुम उदुम दुदुम दुम सुपारी कैसन गीत हके, ये बाल गीत है। झिम झिमालो झिमालो गीत के गावो है माए नानी गिदर ये सब है, ये गिदर गाएगा, ठीक है, गिदर गाएगा, काहे कि ना जैसे यहाँ पर वो खेल रहे होते हैं और सबको पत्ते बांटते हैं, हाँ, बच्चा सब खेलने के दरमियान में ये गीत गाते हैं और उसी दरमियान वो सखुआ का पत्ता सबको देते हैं। उदमु छुदमु उदुम छुदुम दुम सुपाड़ी कांगला मारे ताड़ा ताड़ी रेलगाड़ी झमाझम पेटे फूले आलूक दम बाबू मांगे साबूदाना गोला पति फूल। ये गीत पहेली बुझवा, ये मतलब ये पहेली जैसा, इसका मतलब क्या होगा, बाबू मांगे साबूदाना गोला पति फूल, लावा परास रेलगाड़ी आलू, इसमें लावा हो जाएगा, परास तो ये तो फूल हो गया, रेलगाड़ी तो होगा नहीं, आलू भी नहीं होगा, लावा, साबूदाना, साबूदाना मतलब कैसा होता है, छोटा छोटा रहता है वाइट कलर का, तो झारखंड का साबूदाना किसको कहा गया है, लावा, ठीक है, हाँ। जखन गीदर भूले के लेल सीखो है तखन माए आजी कौन गीत गावो है, बाल श्रम जावा ये सब है, बाल गीत गाएगा। चांद मामू हंसुआ दे से हंसुआ काहे ले, ये कैसन गीत लागे, बाल गीत। सुता सुता रे बेटा तोर बप्पा बांस काटे गेलो मैया उड़ीस मारे गेलो खाली ठावे उतर छाटा, ठीक है, उड़ीस मारे गेलो, गेलो तो इसमें दो है और सुता रे बेटा तोर बाप होरिला गाना में है, ठीक है,
सुता रे सुता बेटा होरीला तोर बापा बांस काटे गेलो मैया उड़ीस मारे गेलो, मतलब सी हो जाएगा। नाम है बाप का, नाम है होरील। अब मुश्किल है। ठीक, ये वाला ठीक है। चलिए 2 मिनट। हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, खाली स्थान में होरीला और गेलो। घुगुचू घुगुचू घुमेलिया अरबा चार के डलिया, ये कैसन गीत है, कह ये बाल गीत है। अटकन चटकन दही चटाकन बड़ फूले बरेला रे, ये कैसन गीत है, ये भी बाल गीत है। सूत मैया सूत के बपा गेलक हर जोते मैया गेलो भूंजा दिए, सूत मैया सूत गे, ये कैसन रकम में गीत लागे, ये बाल गीत है। घुघुचू घुघुचू पाड़ुक बोले एते राती केकर छुआ कांदे, छुआ के माय के लाजो नाय लागे दुआरी बैसल गाल मारे, ये कैसन गीत लागे, ये बाल गीत है। बच्चा एकदम अंदर में रो रहा है, माँ उधर बाहर में गप कर रही है। घुघुचू घुघुचू पाड़ुक चू सासेक सुख पुतोक दुख, ये कैसन गीत है, के ये बाल एक गीत है। कितना कुछ तो परिवर्तन करता है, इसे ऐसे ही पूछेगा। हाँ इसमें ना ये इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है, ऐसे ही बनाएगा, कोई गाना ही दे देगा, पूछ देगा कौन गीत है, कब गाया जाता है। अटकन चटकन दही चटाकन बड़ फुले बरेला रे, ई कैसन गीत लागे, बाल गीत। रोद पानी सियार के बिया है एक चुटकी अन नाय कैसे देवे बिया, एक चुटकी अन नाय कैसे देवे बिया, ये कैसन गीत है, बाल गीत। ठीक है, होता है ना, अभी अभी धूप निकला हुआ बारिश हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, सियार के बिया हो रहा है। रोज पानी आंधी पानी सियार कर बिया, ये कैसन गीत है, कह बाल गीत है। है तो खूब ज्यादा नहीं है, ये भी खूब ज्यादा नहीं, 50 गो होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें देख लीजिएगा। हाँ देखिए, समझाते हैं ऋतु की थोड़ा सा। ठीक है, संस्कार गीत में सबसे कौन सा ज्यादा गीत गाया जाता है, संस्कार गीत में ब्याह गीत हो जाएगा, और ऋतु गीत में सबसे ज्यादा, ऋतु गीत में, हाँ ऋतु गीत में सबसे ज्यादा गीत मिलेगा आपको वही बरसात वाला गीत। ठीक है, और पर्व त्योहार में सबसे ज्यादा गीत कौन सा मिलेगा, करम का। ठीक है, ये तीन मतलब जनरल ऊपर ऊपर क्वेश्चन है। अब ऋतु गीत झारखंड में 3 तरह का ऋतु है, ठीक है, वर्षा गर्मी जाड़। तो वर्षा ऋतु में जो गीत गाया जाता है उसको कहा जाता है भदरिया भटियाली खास पेलिया गोलवारी मोदियाली घसियाली झिंगफुलिया। ठीक है, और ये जो बरखा गीत का है, वर्षा मौसम में जो गीत गाया जाता है, वो गीत में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा गीत है, भदरिया सबसे मेन। उसी तरह गर्मी के दिन में जो गाया जाता है गीत वो है नरनिया मोटा ताल मेही ताल रसधानी रसधारी डहरुआ। ठीक है, और इसमें मुख्य गीत कौन सा है, रसधारी।
गर्मी के दिन में सबसे मुख्य गाना कौन सा है? रसधारी। जाड़ में गाया जाता है चाचेर घेरा गीत डोहा घेरा, और इसका सबसे मुख्य गीत है डोहा। ठीक है, डोहा में कोई बाजा उजा नहीं बाजेगा। वर्षा मौसम में जो गीत गाया जाता है उसको पवास गीत भी कहते हैं। हाँ वही पावस गीत, और नहीं वर्षा में गाया जाता है पावस गीत। हाँ तो वो उदासी है, उदासी अलग है, उदासी तो गर्मी में गाया जाएगा। पावस जो है वो बरसात ऋतु में ही गाया जाता है, आप किताब में पढ़ के देखिएगा ठीक से। ठीक है, वो बरसात से है। और कजली गीत भी किसमें? किसमें? नहीं अब कोई इसके हिसाब से नहीं जाना है, जो किताब में लिखा होगा उसके हिसाब से जाइएगा। किताब में लिखा हुआ है कि बरखा या पावस, ठीक है, तो वो दोनों बरसात मौसम से संबंधित है। ठीक है, और कजली गीत भी बरसात ऋतु में गाया जाता है, गर्मी में जो गाया जाता है वो उदासी गीत गाया जाता है, और ठंडा में जो गीत गाया जाता है उसको डोहा गीत कहते हैं। ठीक है, घेरा गीत में क्या बजता है? डफली बजाते हैं, घेरा करके गाते हैं उसमें। ठीक है, इसी से देखते हैं क्या क्या सवाल है। ऋतु गीत। खोटा क्षेत्र ऋतु ऋतु के कई महीनाएं बांटल गेल है, कितना महीना में ऋतु को बांटा गया है? चार चार महीना में बांटा गया है। ठीक है, नरनिया, मोटा ताल, मेही ताल, रसधारी या डहरुआ, कौन ऋतु गीत लागे? नरनिया, मोटा ताल, मेही ताल, रसधारी, ये गर्मी वाला हो गया। ठीक है, खोरठा क्षेत्रे ऋतु के बाटल गेल है, ऋतु को बरखा गर्मी शीत सभे, ये सभी में बांटा गया है। चाचेर घेरा गीत और डोहा गीत, कौन ऋतु गीत लागे? चाचेर घेरा गीत डोहा मतलब शीत ऋतु का हो गया। और निरनिया, मोटा ताल, मेही ताल, रसधारी, डहरुआ कौन गीत है? ये ग्रीष्मकालीन गीत है ये। ठीक है, ग्रीष्मकालीन गीत किसमें? ये वाला क्वेश्चन नंबर, ये अभी वाला जो बता रहे थे इसमें, ये वाला। हाँ तो ये जो प्रकार है ये कब गाया जाता है, कौन सा ऋतु में? तो गर्मी के महीना में गाया जाता है। ठीक है, ये ग्रीष्म ऋतु का गीत है ये। देखिए, भदरिया, भटियाली, खासपेलिया, गोलवारी, मुदियाली, घसियाली, झिंगफुलिया कौन ऋतु गीत है? बरखा ऋतु का, सावन भादो नहीं। हाँ, झारखंडे जे लोकगीत सावन भादो के महीनाएं गावल जा है ओकरा कहल जा है भदरिया, ये मतलब ही साबित हो जाएगा। ऋतु गीते सबले बेसी कौन गीत भेटा है? ऋतु गीत में सबसे ज्यादा कौन से गीत गाया जाता है? बरखा ऋतु गीत, शीत गर्मी, बरखा ऋतु। कौन ऋतु के पावस ऋतु कहल जा है? कौन ऋतु के पावस ऋतु कहल जा है? बसंत, बरखा, ए बी दुयो। इसमें ना ये बरखा मारिएगा, ठीक है, बसंत ऋतु नहीं है ये। बसंत ऋतु में गर्मी, हाँ गर्मी और ये कहा गया। ठीक है, गर्मी ऋतु में जे गीत गावल जा है ओकरा की कहल जा है? गर्मी के मौसम में जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? नरनिया, रसधारी, डहरुआ, मोटा ताल, मेही ताल, साभे, ये साभे हो जाएगा। गर्मी के दिन में सभी गाया जाता है। शीत ऋतु कौन गीत गावल जाए? चाचेर घेरा गीत डोहा, ये साभे, सब हो जाएगा। कौन ऋतु गीत के बसंत कहल जा है? कौन ऋतु गीत के बसंत कहल जा है? गर्मी ऋतु, पावस ऋतु, बरखा ऋतु, बी सी दुयो। इसमें गर्मी ऋतु हो जाएगा। गर्मी
बसंत कहल जा है बरखा ऋतु के, पावस ऋतु के। पावस ऋतु होगा तो ठंडा हो जाता है। जैसे पावस ना, ये बरसात में गाया जाता है, ठीक है। और बसंत जो रहेगा वो तो गर्मी से संबंधित है, गर्मी होगा सर तो ऊपर ठीक है। तो ये गर्मी से ही संबंधित है, गर्मी ऋतु का कहा जाता है इसको। कितना का है? 10 नंबर ना। नंबर 10 डी, ऋतु गीत डी। ना बी ना सी डी, मतलब बी और सी दुई हो, कैसे हो जाएगा? पावस गीत कहाँ बसंत है? वो स्टार्टिंग टाइम रहता है। तो ठीक है, मान लेते हैं बसंत ऋतु को, तो क्या कहेंगे उसको? बरसात तो कहेंगे नहीं, बरसात तो होगा नहीं, ठीक है। पावस ऋतु कैसे कहेंगे उसको? पावस भी तो सर तो ये गर्मी बरसात से में अगर गाया करीब है तो इसको गर्मी का ही कहेंगे, सर, पावस भी तो अति में गाया जाता ना बरसात बरसात में गाया जाता है। और बसंत को कहा जाता है बी और में, सी गाया दुयो, जाता तो कैसे? पता है। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से ये होना चाहिए गर्मी ऋतु। ठीक है, फिर देखिए आगे। ऋतु राज ककरा कहल जाए? बसंत ऋतु, बरखा ऋतु, पावस ऋतु, ये सब है। ऋतु राज कहा जाता है बसंत ऋतु को, ठीक है, ऋतुओं का राजा। वर्षा ऋतु गीत के कहल जाए भदरिया, नरनिया, रसधारी, चाचेर। भदरिया कहेंगे वर्षा ऋतु में, क्या चीज गाया जाता है? भदरिया। जे गीत जे कोनो समय गावल जाए पारे की कहल जाए बारामसिया, सामान्य, ये भी दुयो। जो जो गीत कोई भी मौसम में गाया जाता है उसको कौन सा गीत कहेंगे? बारामसिया, सामान्य गीत सामान्य गीत भी कहेंगे, तो दोनों हो जाएगा। झिंगफुलिया भदरिया सूर्य गीत को ऋतुएं गावल जा है, कौन ऋतु गावल जा है? झिंगफुलिया भदरिया कौन सा ऋतु में गाया जाता है? बरसात में, ठीक है। एकर में सही मेल हक है, सही मेल। झिंगफुलिया ऋतु गीत है, गलत है। हाँ ये सही है, ऋतु गीत है। चाचर ऋतु गीत है, डहरुआ ऋतु गीत है, तो ये सब है, ये सब हो जाएगा। एकर में सही मेल नखे, सही मेल। डहरुआर गर्मी ऋतु गीत है, डहरुआर गर्मी, डहरुआ गर्मी ऋतु गीत है, ठीक है। मोटा ताल गर्मी है, नरनिया गर्मी, भदरिया गर्मी, तो ये गलत है। तो मतलब कौन मेल? नखे, डी हो जाएगा। एकर में सही मेल हक है, सही मेल। मोती ताल, मोदी ताल, मोटी ताल हो जाएगा यहाँ, ठीक है। बरखा ऋतु घसियाली, पावस ऋतु भटियाली, बसंत ऋतु सभी हक है, सही मेल। मोदी ताल इसी में गाया जाता है, मोदियाली जिसको बोलते हैं। भटियाली ये तो वर्षा का है, घिसियाली ये भी वर्षा का है, भटियाली सही मेल नखेकर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेही ताल, ठीक है, या मोटा ताल, यही वाला होगा। एकर में सही मेल, सही मेल कौन हक है? वो गर्मी के मौसम में आ जाएगा, तो घसियाली ये सही हो जाएगा।
क्या दिया हुआ आंसर इसका? ठीक है, ये तो घसियाली है, ठीक है ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेही ताल, ठीक है मेही ताल। नहीं तो ऐसे कोई सही नहीं है, एकर में सही नक है। घसियाली पावस ऋतु, ठीक है सी। एकर में सही मेल नक है, सही मेल। चाचर शीत ऋतु में गाया जाता है, झिंग फूलिया शीत ऋतु में, तो यही सही नहीं है ठीक है। ये बरसात में गाया जाता है, घेरा गीत शीत ऋतु में, डोहा गीत शीत ऋतु में, झिंग फूलिया बरसात में, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। डहरुआ रसधारी कौन ऋतु, कौन ऋतुएं गावल जाए वाला गीत है? डहरुआ रसधारी कौन ऋतु में गाया जाएगा? गर्मी में। एकर में सही मेल नख है, सही मेल नहीं है। खास पहलिया ऋतु गीत है, मोदियाली पर्व गीत है, यही नहीं है, ये ऋतु गीत है। एकर में सही मेल नख है, सही मेल नख है। मेही ताल गर्मी ऋतु एकदम है, भदरिया बसंत ऋतु ये नहीं है, रसधारी गर्मी ऋतु, मोदियाली ठंडा ऋतु, सही मेल नख है। मोदियाली ठंडा ऋतु भी कैसे गाया जाएगा ये? सही मेल नख है। तो भदरिया फिर कैसे गाया जाएगा बसंत ऋतु में? ठीक है, रसधारी गर्मी में गाया जाता है, मेही ताल गर्मी में गाया जाता है, भदरिया ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है ठीक है, और मोदियाली ठंडा ऋतु में, ये भी वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये कैसे कैसे ऑप्शन दे दिया ये ठीक है, इसमें ऑप्शन ठीक नहीं है ठीक है, तो ये दो वही बोल रहे हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मतलब समझ गया ना, ऐसे पूछ सकता पैटर्न, मतलब ये वाला नहीं। एकर में सही मेल है, सही मेल गोलवारी ठीक है, वर्षा ऋतु में खास पेलिया, बसंत ऋतु में झिंगफूलिया, बसंत ऋतु में सभी सही एक है, मतलब इसमें सही मेल कौन है? गोलवारी। हेमंत ऋतु खत्म भेल बादे कौन ऋतु आता है? हेमंत ऋतु खत्म होने के बाद, हेमंत का मतलब ठंडा ऋतु, शीत ऋतु, तो बसंत आता है। हाँ हेमंत मतलब होता है ठंडा, शीत ऋतु। नरनिया और रसधारी गीत कौन मौसम में गावल जा है? नरनिया और रसधारी गर्मी में हो जाएगा, गर्मी मौसम में। लुझरी उदासी ढेलुआ गीत कौन रकम में गीत लागे? खेल गीत, ऋतु गीत, डोहा गीत, हरबदिया, ये तो ऋतु गीत हो गया, उदासी गीत। कोनो खास मौसम में गावल जाए वाला गीत के कहल जा है? ऋतु गीत। अम्बा मंजरे मधु मातल मातलय हो, रे तैसने पिया मातल जाए, रे तैसने पिया मातल जाए, कौन रकम में गीत लागे? बसंत ऋतु के, नरनिया, ठंडा या गर्मी? तो यहाँ हो जाएगा बसंत ऋतु। देखिए यहाँ पर अम्बा मंजरे, आम कब मंजरता है? बसंत ऋतु में ठीक है, गर्मी में ही, गर्मी में ही जो सिस्टम बनाया गया बसंत ऋतु, तो ये बसंत ऋतु का गाना है। सुन सुंदर नारी सुन कुसुम कली, छोटा नागपुर एक धरतिया बड़ी मनोहरी, ये कैसन रकम में गीत लागे? बसंत ऋतु गीत, पावस ऋतु गीत, गर्मी ऋतु गीत या वर्षा ऋतु गीत? छोटा नागपुर एक धरतिया बड़ी मनोहरी, धरतिया बड़ी मनोहरी, ये कब रहता है सुंदर धरती, कब लगता है? बसंत ऋतु में, तो ये बसंत ऋतु का गीत हो जाएगा। बरसात में जैसे बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लगेगा, बरसात में क्या चीज़ होता है, फूल तो खिलेगा नहीं, लेकिन बसंत ऋतु में लगभग ज़्यादातर जितना फूल रहेगा वो खिल जाएगा ठीक, पत्ता नया रहेगा। कुलियाँ कुकरा भूखे अंगनाएं भैसुरा सुते,
घोड़े के घुंघुरा बाजे छम छम, कैसे जे बाहर होवे हो, ओढ़े दे चदरिया खोले दे घुंघुरा। ये कौन रकम में गीत लागे, नरनिया गीत, रसधारी, भदरिया गीत, चाचेर, ये सब है। ये गर्मी में गाया जाता है, ठीक है। तो गर्मी में गाया जाता है तो कौन सा गाया जाता है, नरनिया। नरनिया में कौन सा है, रसधारी। ये गाना में क्या चीज़ है, जैसे घर में सोई हुई है, गर्मी लग रहा है, उसको घर के बाहर जाना है, नई नई शादी हुई है दुल्हन का, ठीक है, घर में सोई हुई है, उसको बाहर जाना है, और आंगन में उसका सास ससुर भैंसुर सब सुतल है, पायल पहनी हुई है, उसका घुंघुर बाज रहा है, तो वो शर्म से बाहर कैसे जाएगी। तो वही चीज़ वो बोल रही है गाना के माध्यम से कि हम कैसे जाएंगे, ठीक है। अपने बोल, पहले हम अपने लुका के ओढ़ लेते हैं, ओढ़ के खोल लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। एकर में कौन बिरह गीत अषाढ़ महीना गावल जाए, रिजवारी उधवा डोहा घेरा गीत। अषाढ़ महीना में उधवा गीत गाया जाता है, अषाढ़ महीना में, ठीक है, चैत बैसाख जेठ अषाढ़, गर्मी के दिन में। और बिरह गीत कब गाया जाता है, गर्मी के दिन में, ठीक है। तो उधवा गीत अषाढ़ में गाया जाता है। छोटा नागपुर एक धरतिया बड़ी मनोहारी, पल्हा पाते गीत गावे, ये कौन रकम में गीत लागे, गर्मी ऋतु में ही ताल गीत। ये गर्मी ऋतु वाला है ना, भटियाली नहीं होगा, ठंडा वाला भी नहीं होगा। मनोहारी मतलब बसंत ऋतु में पल्हा पात सब हो गया है, तो ये मेहिताल हो जाएगा, गर्मी ऋतु गीत है। खोठाएं गीत एक नामकरण कौन आधारे निर्भर करो है, स्वर ताल लय ये साभे पर निर्भर करता है। खोठा गीत जाड़ महीनाएं कौन गीत सांझ बिहान गावल जा है, खास पेलिया मोदियाली घेरा गीत, ये सब है। खास पेलिया कौन सा है, बरसात में गाया जाएगा, मोदियाली बरसात में गाया जाएगा, लेकिन जाड़ महीना में कौन सा गीत गाया जाएगा, घेरा गीत, ठीक है। एकर में कौन गीत कर्मा परबे बाद शुरू हो है, कर्म के बाद कौन सा गीत शुरू होता है, चाचर भदरिया उदासी डोहा। कर्म के बाद चाचेर होना चाहिए, ठंडा वाला गीत, ठीक है। कौन गीत है डफली बजवल जाए, डफली तो घेरा गीत में डफली बजाया जाता है, ठीक है, घेरा गीत में। बरसा मौसम एक मुख्य गीत मानल जाए, बरसात का मुख्य गीत कौन सा है, भदरिया भटियाली खास पेले गुलवारी, भदरिया सबसे मेन गीत है भदरिया। कौन गीत के आषाढ़ी गीत कहल जाए, भदरिया रसधारी उदासी गीत के या डोहा, आषाढ़ी गीत रसधारी गीत के कहा जाता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। कौन जाड़ महीनाए गीते बाजा नाय बाजो है, जाड़ महीना के गीत जो गाया जाता है उसमें कौन सा, हाँ, डोहा में नहीं बाजा बजाया जाता है, डोहा गीत में बाजा नहीं बजता है। जाड़ मौसम एक मुख्य गीत मानल जा है, जाड़ मौसम का मुख्य गीत कौन सा है, डोहा, बताए थे ना, ठंडा मौसम में जो सबसे मेन गाना है वो है डोहा। गर्मी मौसम में एक मुख्य गीत मानल जा है, गर्मी मौसम का सबसे मुख्य गीत माना जाता है, गर्मी दिन में रसधारी, ठीक है, रसधारी को सबसे मेन माना जाता है, रसधारी उधवा गीत, ठीक है, उसमें वियोग मतलब श्रृंगारी वियोग श्रृंगार को दिखाया गया उसमें। डोहा कौन शब्द एक अपभ्रंश मानल जाए, डोहा कौन शब्द से बना है, डा दोहा दोना डहर, दोहा से बना है, दोहा से डोहा।
डोहा गीत कर कौन गीत एक पर्याय मानल जा है, डहर गीत के, नरनिया गीत के, ए बिदुयो या डाह के? डोहा गीत किसका पर्याय है? डहर गीत का, ठीक है, पर्यावाची, डोहा, डहर, ठीक है। कजली और हिंडोला कौन रकम में गीत लागे, ऋतु संबंधी गीत, श्रम संबंधी, बाल संबंधी, सैयारी? कजली तो मतलब ऋतु गीत हो गया। नीरन कौन ऋतु कहल जा है, निरनिया जो रहता किस में होता है? ग्रीष्म में होता है। कौन गीत शीतकालीन मौसम में नाई गावल जा है, कौन गीत शीतकालीन मौसम में नहीं गाया जाता है? चाचर, घेरा, डोहा, खेमटा? खेमटा नहीं गाया जाएगा। शीतकालीन खोरठा लोकगीत मुख्य है, डहरुआ, मोतीताल, डोहा, ये सब है। शीतकाल का सबसे मुख्य गाना कौन सा है? डोहा। उदासी कौन सिंगार रसिक, उदासी कौन सिंगार रसिक गीत लागे, हास्य रस, वियोग सिंगार रस, वीर रस, भयानक रस? तो ये उदासी कौन सा गया? वियोगी, वियोग सिंगार, ठीक है। हाँ, उदासी गीत कौन मौसम में गावल जाए, गर्मी, बसंत, बरखा, ए बी सी दुयो? गर्मी में गाया जाएगा। निरनिया गीत एकर में कौन है? निरनिया, रसधारी, मेहिताल, डहरुआ, इसाभे? कार्तिक से फागुन तक कौन गीत गावल जा है, कार्तिक से फागुन तक? चाचर, डोहा, घेरा, इसाभे? ये सब गाया जाएगा, ठंडा का गीत है, ठीक है। घेरा गीत में कौन बाजा बजवल जा है? डफली। जाड़े के मौसम में कौन गीत बिहान साइंज बड़े परे में लोग गावो हत, जाड़ में सुबह से लेके मतलब गीत बिहान साइंज घेरा गीत को गाता है ये सब, ठीक है। बेरिया जे डूबी गेल, झिंगा फूल फूली गेल, ई गीत कौन रकम में गीत लागे, प्राकृतिक चित्रण मूलक, झूमेर, सिंगार रसिक झूमेर, भदरिया झूमेर, तीनों? ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। बस बुधवार है, चार गो है। बोरा तोरे बांसी बाजे, बोरा तरे बांसी बाजे, डीहा छोड़ी छोड़ी, ठाड़ रे ढरकी ढरकी, गिरले लोर, ई गीत कौन महीना है गावल जाए, ठीक है। तो आषाढ़ महीना, ठीक है, इसी को कहा जाता है उधवा गीत। हाँ, पारसनाथिक पहाड़े दैया रे, छल छल चघे पोठी, माछ एक पोठी धर लो, दैया रे दुए पोठी धर लो रे, ई कौन रकम में गीत लागे, डोहा गीत, भदरिया, रसधारी, ये सब है, कौन सा हो जाएगा? ये अच्छा, इसको देखते देखते अभी। कौन कुंजा बोने सखी, तुरुरुरु बांसी बाजे, जागे हमर मने, बसंत फागुन एक दिने, टूसु फूले बोन, ई कौन रकम में गीत लागे, ठीक है। बसंत फागुन दिने, टूसु फूले, ठीक। तो मोटा ताल हो जाएगा, गर्मी में यही ना गाया जाता है। कहाँ रे चाचर ले ले जन्मवा हो, कहाँ रे चाचर गीत, चाचर, ठीक है, तो चाचर गीत है। 59 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, डोहा गीत है, ठीक है, डोहा गीत। ठीक है, कल देखेंगे कविता वाला पदभाग, कविता, शिष्ट कविता।